अल मरकज रूहानी में जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन सूबा सिंध के अहदे दौरान जनरल सेक्रेटरी खलीफा मखदूम मोहम्मद आजम तारी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब शहजादा वकास तारी साहब, मावन फनानी सेक्रेटरी खलीफा तारिक मसाहूद मीर तारी साहब ने जमात इस्लाह मुस्लिमीन जिला केमाड़ी कराची में रहने वाले महबूब मुर्शिद के खलीफा कराम हजरत इलामा मौलाना खलीफा रफीक मुजाहिद तारी साहब, हजरत इलामा मौलाना खलीफा साईं फैज़ मोहम्मद तारी साहब, हजरत इलामा मौलाना खलीफा साईं मोहम्मद कासिम तारी साहब, हजरत इलामा मौलाना खलीफा साईं दोस्त मोहम्मद तारी साहब, हजरत खलीफा हाजी मोहम्मद हनीफ तारी साहब, इन खुलफाए कराम की मौजूदगी में जमात इस्लाह मुस्लिमीन जिला के माड़ी कराची पार्टी का विजिट किया, जिसमें अहदेदारान का जनवरी से जून 2023 तक का रिकॉर्ड भी चेक किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी साहब का रिकॉर्ड, फरानी सेक्रेटरी साहब का रिकॉर्ड और प्रेस सेक्रेटरी साहब का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। तफसीली जिला कारकर्दगी की रिपोर्ट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हकीम तारी साहब ने पेश की। जमात इस्लाह मुस्लिमीन जिला के माड़ी कराची के सदर जनाब मोहम्मद रिजवान तारी, सीनियर नायब सदर हजरत इलामा मौलाना खलीफा साईं फैज़ मोहम्मद तारी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हकीम तारी, जॉइंट सेक्रेटरी अयूब तरीन तारी, फनाने सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज तारी, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद सलमान तारी, ऑफिस सेक्रेटरी लियाकत अली तारी, मावन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जमील तारी ने सूबाए सिंध के अहदेदारानों को और खुलफाए कराम को आज के विजिट में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहा। रिपोर्ट शहजाद हुसैन, मिशन न्यूज़ कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।